हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ब्यूटी एक्सपर्ट अरिबा। मैं अरिबा आज आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों को स्ट्रिक अल्ट्रा हाइलाइट्स कलर का रिव्यू दूंगी और एक बेस्ट वे से लगाने का तरीका भी बताऊंगी प्रैक्टिकली। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हे गाइस, तो मैंने आज स्ट्रिक अल्ट्रा हाइलाइट्स का कलर लिया है सॉफ्ट हाइलाइट शेड वन। इसकी टू वन और टू शेड आती है। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और जो मीडियम आती है वो थोड़ी सी इसे कम होती है। ये ज़्यादा हाईलाइट है जो कि मैं आज थोड़ा ज़्यादा ही करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड, मैं इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये बता दूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहेंगे और साथ में बेल का आइकन भी दबाएँ जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये लिया है, ये मैंने कितने में बाय किया है, सबसे पहले ये सवाल बहुत सारे व्यूवर्स मेरे हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं। तो ये मैंने 120 में बाय किया है। इसकी प्राइस है 125। ये आपको लाइटिंग की वजह से शायद नहीं दिख रही है, ये मैंने 120 में बाय किया है। प्रिंट है 125 की। सो फ्रेंड, इसमें आपको एक डेवलपर है और एक क्रीम है और इसमें आपको दो तीन कंडीशनर भी मिलेंगी। और ये है वॉलनट एक्सट्रैक्ट की विथ है और कौन सी एरगन ऑयल भी है। लॉन्गर लास्टिंग कलर अल्ट्रा साइन कंडीशनर सैसिक के साथ है फ्रेंड। सो आपको मैंने बता दिया, पीछे ये कलर शेड चार्ट भी है। बेस कलर नेचुरल ब्राउन एंड बेस कलर नेचुरल ब्लैक। ये इस तरह की हेयर वाले लोगों की ये ऐसे आएंगे और जो नॉर्मल ब्लैक कलर है उनके ऊपर ये कलर इस तरह से आएगा। ये स्ट्रिपिंग है तो मैं आपको अभी आगे और दिखा दूंगी। सो फ्रेंड, ये स्ट्रिक्स अल्ट्रा लाइट्स गिव्स योर हेयर फैबुलस परमानेंट सॉफ्ट हाइलाइट्स दैट आर इन अ परफेक्ट हारमोनी विद योर एग्जाइटिंग हेयर कलर। द इजी टू यूज टू एनेबल्स यू टू गेट द लुक दैट टर्न्स हेड विद द स्ट्रोक ऑफ अ ब्रश। हाउ टू यूज, सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप ये पढ़ लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें आपने ब्लेंडर पाउडर, पोटेशियम पैरासल्फेट, सेलिका जेल्स एंड डेवलपर में एक्यू हाइड्रोजन पोरोक्साइड ग्लिसरीन एंड कंडीशनर, सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स हैं। यूजफुल टिप्स ये ऑलवेज आप पढ़ लेंगे। सो फ्रेंड, आप ज़्यादा नहीं, मैं आप इसे ओपन कर रही हूँ। प्राइस भी मैंने इसका बता दिया। आपको ये कितने ग्राम की मिल रही है, आपने ब्लेंडर पाउडर 10 ग्राम की है, डेवलपर 20 ml की हो गई और कंडीशनर 4 सैसे ऑफ 5 ml की है। सो अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। सो फ्रेंड, इसमें आपको मिलता क्या क्या है, ये आपको हाइलाइटर ब्रश डिफरेंट टाइप्स की है और ग्लव्स जो आप मस्ट वेयर करें, और ये आपको अल्ट्रासाइन ब्लेंडर पाउडर, और ये आपको लिक्विड डेवलपर एंड आपने 4 सैसे ऑफ कंडीशनर जो कि मैंने 3 बोला था। सो फ्रेंड, मैं आपको मिक्स कर दूं प्रॉपरली, दिखा देती हूँ। और मैंने बताया ना कि इसकी 2 शेड आती है, मैंने 1 लिया है और ये शेड 2 हो गई। तो ये सेम है एग्जैक्टली, बस इसका कलर थोड़ा सा इससे लाइट होगा। ये बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जो कम करना चाहते हैं। सो मैं मिक्स करके दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड, मैं एक्स्ट्रा बोल ले रही हूँ, आप एलुमिनियम वगैरह की बोल ना लें, हमेशा आप एक कांच की बोल ही इस्तेमाल करें। अब मैं इसे कट कर रही हूँ और ये आपने पूरा लेना है, आपने इसे बाद में बचाना नहीं। और जब एक बार आप डेवलपर अगर मिक्स कर दें तो आपने इसका पूरा इस्तेमाल करना है। मिक्स करने के बाद आप इसे एटलीस्ट 10 मिनट ही रखें, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, बिकॉज फिर इससे आपको आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मिक्स करें, अब इसमें आपने ये पूरा पैक यूज़ करना है क्योंकि हाईलाइटर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बॉयज़ भी यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये पूरा हो जाएगा और लॉन्ग हेयर वालों के लिए भी। आपने डेवलपर इसमें पूरा नहीं, थोड़ा सा लास्ट में छोड़ देना है, आपने इसका 3rd यूज़ कर लेना है, 1 छोड़ देना है। अब मैं इसे छोड़ दूँगी। इसी ब्रश से आप मिक्स करें, मिक्स इट प्रॉपरली, देन अप्लाई ऑन योर हेयर। सो फ्रेंड, मिक्स इट प्रॉपरली और ये हो गई। अब मैं इसे इस तरह से आपने
निकाल लेना है, बिकॉज मैं इसे ब्रश से लगाऊंगी, इसे नहीं लगाऊंगी, इससे बाल बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। अब मैं आफ्टर कलरिंग स्मूथनिंग कैसे करना है आपने, मैं एक पार्लर का अगर आप ये करेंगे तो आप इसे अगर आप बाहर करवाएंगे किसी ब्रांड में तो आपको 10,000 तक की स्मूथनिंग हो जाएगी आफ्टर कलर और स्पा, तो मैं आपको घर पर ही करने का तरीका बता रही हूँ। तो ये हो गई, ये मिक्स आप 5 मिनट तक मैं इसे साइड कर रही हूँ और स्पा क्रीम बना रही हूँ। सो फ्रेंड, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एम्प्टी बॉल्स और डव कंडीशनर और हेयर एंड केयर का सिल्किन एंड शाइन लिवॉन सीरम, और ये हो गया कंडीशनर, और एक ऑयल चाहिए आपने, आलमंड ड्रॉप्स मैंने लिया है, कोई भी आपको अगर बादाम ऑयल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स। अब मैं इसे कट करके मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से आप बोल में ले लें, इसे कट करें इस तरह से। अपने 2 सीरम लेना है, हेयर सीरम, आप चाहे तो स्ट्रिक की सीरम भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो तो, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सो फ्रेंड, अब मैं आलमंड ड्रॉप्स लूँगी, कोई भी तरह का आलमंड ऑयल आप ले लें, 3 से 4 ड्रॉप आपने लेना है हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग, और आप मिक्स करें इसे प्रॉपरली। मिक्स करने के बाद आपने इसे साइड कर देना है और देन आपने कलर अप्लाई करना है। सो फ्रेंड, मैं आपको हेयर पे कलर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। हे गाइस, मेक श्योर आपने ग्लव्स पहन लेना है एक बार अच्छे से, और मेक श्योर कि आप हेयर आपका वॉश हो प्रॉपरली, ये आप ज़रूर ध्यान दें। फिर आपने एक टेलकॉम की मदद चाहिए, इस तरह की टेलकॉम, और फिर आपने हाईलाइट्स के लिए मैंने जो कि ब्रश का मना किया है कि वो ना यूज़ करें, देन आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ अपने सिस्टर के हेयर पे जो कि मैं कैसे कर रही हूँ। और ये एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड जो आपको 10,000 से 15,000 रुपया सेव करेगा। अगर आप किसी भी पार्लर में जाके बोलो कि मुझे हाईलाइट प्लस आपने स्मूथनिंग करवानी है या स्पा करवाना है, तो ये सारे प्रोसेस में आपको 10,000 रुपये एटलीस्ट लग जाएंगे। देन मैं आपको ये कॉस्ट मात्र 130 में तक में हो जाएगी, 120 की कलर, देन अपने कंडीशनर और सीरम चाहिए हेयर, तो आपको 130 में ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। बस आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब करें, देन मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहेंगे। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। अब मैं सारा प्रोसेस आपने बता रही हूँ क्या कि आपने इस तरह से टेलकॉम लेना है, फिर आपने वन पुश आपने कितना श्योर कर लेना है कि आपने स्ट्रिपिंग कितनी थिकने वाली चाहिए, इस तरह की चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा लोग इस तरह का रखते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप थोड़ा टिनी टिनी ही सा लें, ज़्यादा थिक ना करें, इतना आपके हेयर के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा गर्ल्स पे। सो मैं आपको लेयर सारे दिखा दे रही हूँ, इस तरह से आपने लेते जाना है फाइन फाइन लेयर स्ट्रिपिंग के लिए। और आपने अगर ग्लोबल कलरिंग करना है तो आपने फिर इस तरह से स्ट्रिपिंग करने के बाद हेयर कलर करना है, तो आपने इस तरह का 4 लेयर ले लेना है, फिर आपने सारे बाल को, ये हो गई फ्रंट की स्ट्रिपिंग हेयर। अब मैं यहाँ पे कलर अप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड, आपको इस पार्ट में कलर करना है या आपको स्ट्रिपिंग का आ जाएगी, तो मैं इस ब्रश के हेल्प से पूरा स्ट्रिपिंग करूँगी, तो आप ये ज़रूर ध्यान दें। अब मैं कलर अप्लाई करने जा रही हूँ, इस तरह से अप्लाई करें। और अगर आप पूरे स्कैल्प यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो हाईलाइट ऊपर से करना है, तो आपने स्कैल्प के 1/2 इंच छोड़ के कलर करें, डायरेक्ट पूरे स्कैल्प में कलर नहीं आना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान दें। मैं आज इसके मिडिल से हेयर कलर कर रही हूँ, तो आप ये करें, अगर आपको ऊपर करना है तो आप ऊपर से स्ट्रिपिंग ले सकते हैं। सो फ्रेंड, अब मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ, अब मेक श्योर आप ये इस तरह का कलर ऊपर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये पूरा सिर्फ गीला हो कलर, ये ऊपर दिखना चाहिए तभी कलर आएगा। इस तरह से आप सारे लेयर्स अप्लाई करें, इस तरह से पूरे हेयर पे अप्लाई हो गई। अब आपने इसे नीचे छोड़ना नहीं है, बिकॉज मुझे नीचे कलर नहीं देना है, तो अब क्या करें, मैं आपको और एक आइडिया बता रही हूँ। सो फ्रेंड, दिखा दे रही हूँ। सो फ्रेंड, आपने एक इस तरह का प्लास्टिक लेना है, ये एक कैरी बैग है, ये आप किसी भी मॉल मार्केट में आपको मिलती है, तो अब इस तरह का कोई भी, मैंने सिटी स्टाइल का कैरी बैग यूज किया है। अब मैं इसे इस तरह से तेल तक कर दूंगी,
और ये हेयर मेरे सब ऊपर आ जाएंगे। देन आप फिर अगर ये हो गया, थोड़ा सा आपको कहीं पे कलर दिख रहा है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसे आपने होल्ड कैसे करना है, अगर आप इसको रख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पर चिपक जाएगा कि होल्ड कर गया, मैं हाथ यहाँ हूँ, कोई नहीं ऐसे पकड़ा, ये होल्ड हो गया। तो आपको बहुत हेल्प होगा, फिर आपने इसके ऊपर उसे होल्ड करने के बाद भी आप कलर कर सकते हैं जो कि कहीं भी छूटा हो तो ये कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड, अब मैं पूरा हेयर कर रही हूँ, तो इस तरह से सारे स्टेप मैं आपको फिर स्पा करने वाला तरीका भी दिखा दिया गया। सो फ्रेंड, ये वन साइड हो गई, अब मैं इसे फिर से इस तरह से कवर कर दूंगी। अब मैं फिर यहाँ से फिर स्ट्रिपिंग चालू करूँगी। इस तरह का स्ट्रिपिंग लेना है, इस तरह से इक्वल स्ट्रिपिंग ले, इस तरह से अपने सारे स्ट्रिपिंग लेने हैं। दिख रहा है, ये थोड़ा सा मेरा ठीक हो गया इस तरह से। फिर से आपने ये पूरा लास्ट तक ले लेना है और पूरे हेयर आपके स्ट्रिपिंग हो जाएंगे। इस तरह का मैंने 2-5-6 लिया है, इस तरह से आप भी लें और ठीक हो जाए तो फिर आपने इसे फिर पतला कर लेना है। सो फ्रेंड, ये दूसरा भी मैंने कर दिया है। अब आपने इस तरह से इसे कवर कर देना है और या फिर ऐसे ही छोड़ देना है। आपने इसे छोड़ना कितनी देर है, एटलीस्ट 45 मिनट्स आपने इसे स्टे करना। बट इन केस अगर आपने इसमें कलर आने लगा है, जैसे कि ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन अभी से होने लगी है, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इसे अलग से एक बोल लेके वॉश कर लूँगी। अगर इसमें कलर आ गया और इसमें नहीं आया तो अपने एग्जैक्टली सेम टाइम पे सभी को वॉश नहीं करना है, बिकॉज ये लगाते लगाते इसका टाइमिंग हो जाता है, फिर ये बाद में अप्लाई होता है, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और देन आपने पूरा हेयर जब करना है तो आपने क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर दें, फिर कोई भी इस गोल्डन या फिर लाइट कॉपर आप लें और फिर इसे फोल्ड करने के बाद पूरी हेयर पे कलरिंग कर लें, उसे हम लोग ग्लोबर कलरिंग कहते हैं। सो फ्रेंड, ये वॉश करके मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा दिखता है और आपने फिर स्मूथनिंग कब करना है। सो फ्रेंड, आती हूँ। सो फ्रेंड, मैंने हेयर वॉश करवा दिया है, अब मैं इसे आपने फटाफट इसे ड्राई करना है, ड्रायर से रखती क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो फटाफट मैं करूँगी। अब मैं यहाँ से स्मूथनिंग करना चालू करूँगी, तरह से करके सारे हेयर को सुखा लेना है। मैं सुखा के दिखा देती हूँ। और आपने स्ट्रेटनर की भी ज़रूरत होगी, अगर आपके पास स्ट्रेटनर नहीं है तो आप एक घर पे जो आयरन होती है आप वो ले लें, और आयरन के थ्रू भी आपने करना है कैसे मैं वो दिखा दूँगी। ये ड्राई हो चुकी है, आपने मीडियम ट्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं। अब जो मैंने ये हेयर स्पा सीरम पेस्ट बनाया है, अब मैं इसे हेयर पे अप्लाई करूँगी। इस तरह से आपने पूरे हेयर पे से अप्लाई करना है, स्कैल्प को छोड़कर इस तरह से आपने पूरे हेयर पे इस तरह से अप्लाई करके उसके बाद आपने इसे हाफ एन आवर तक इस तरह से कंटिन्यू करते रहना है। ये ज़रूर याद रखें, इस तरह से आप करें अपने हेयर पे, फिर अपने इस तरह से स्कैल्प छोड़कर आप चाहें तो ये फुल पार्टिंग से यहाँ से ले सकती हैं। फिर आपने कंटिन्यू इस तरह से करते जाना है, फिर आपने पूरी तरह से बालों को इस तरह से करते जाएं। और आपके अगर लॉन्ग हेयर है तो आप इसका ये सीरम थोड़ा ज़्यादा तैयार करें, ये स्पा क्रीम, और फिर आपने पूरे हेयर को इस तरह से करते रहना है। एटलीस्ट अपने हाफ एन आवर तक इसे इस तरह से करना है, फिर बीच में हमें इसे कॉम्बिंग करना है, फिर बीच में मिडिल में हमने कॉम्बिंग करना है, इस तरह से कॉम्बिंग करें। फिर अब यहीं पे ज़रूरत है हमें स्ट्रेटनिंग की, स्ट्रेटनिंग मशीन की, तो जो हमने ग्लोबल हाई कलरिंग किया है और स्ट्रेटनिंग किया है, जो ये स्मूथनिंग आएगी, ये स्मूथनिंग बहुत कॉस्टली होता है और आपकी स्किन है, आपके हेयर को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। ये ऐसी खूबसूरती इतना आसान नहीं है, हमें इसके लिए 10,000 पे करना पड़ता है। बट मैं आज अपनी ये टिप्स मैंने इतनी आसानी से बता दिया,
जो कि आपके घर पे सिर्फ आपको 250 में हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ स्ट्रेटनिंग करके। सो फ्रेंड, मैंने फिलिप्स कैराशाइन हेयर स्ट्रेटनर का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपने आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आयरन को हीट करना है, देन उसके ऊपर फिर आपने प्लग हटा देना है, फिर आपने हेयर पे इस तरह से आयरन से कर लेना है जिसके पास स्ट्रेटनर नहीं है, और फिर कंटिन्यू आपने इस तरह से करते जाना है लगातार। फिर इस तरह से आपने कॉम्बिंग करें, फिर आपने एक मिनट बाद फिर आपने स्ट्रेटिंग करना है, और ये स्ट्रेटनर आपने हीट रखना है, ये आप श्योर करें, और कॉम्ब अपने बार बार अपने कॉम्ब इसमें अप्लाई करते जाना है, इससे बाल स्ट्रेटनिंग भी हो जाएगी और आपकी बाल इस तरह से करें। फिर आपने नेक्स्ट कॉम्ब करना है, देख रहे हैं आप इसकी शाइन, देख सकते हैं इस तरह से कितने की शाइनी हो रहा है। ये आम हेयर पे किया हुआ है फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। सी देख सकते हैं आप ये ब्यूटीफुल। इस तरह से देख सकते हैं आप इसका कलर, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। इस तरह से आपने करना है, इस तरह से आपकी हेयर बहुत ही शाइनी हो जाएगी, ये आप ध्यान रखें। अगर आप डीप कलर चाहती हैं तो इससे ज़्यादा आप कलर चुन सकती हैं डीप के लिए, वो आपकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। बट ये मैं एक 15 ईयर गर्ल के हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ, तो जो कि मैंने बहुत कम रखा है। ये आपको 2-3 डेज के अंदर और भी ज़्यादा कलर आ जाएंगे, और ये अभी जस्ट मैं हेयर आपको ये सीरम आधे घंटे तक करके फिर अपने हेयर वॉश करना है, देन हेयर वॉश करके फिर अपने स्ट्रेटनिंग करना है, और आप फिर कहीं भी जा सकते हैं। बट आपको 2-3 डे के अंदर में ज़्यादा इसमें खूबसूरती आएगी। सो फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो वॉश करके दिखा दूंगी, बट ये हो चुका है अब डन, अब आप वॉश कर लें। सो फ्रेंड, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड, मैंने स्मूदिंग करने के बाद, स्पा करने के बाद भी मैंने वॉश कर दिया है, अब मैंने इसको ड्राई किया है, और मैं यहाँ पे स्ट्रेट करूँगी। इस तरह से आप कंटिन्यू स्ट्रेट करते जाएँ, और आपको शाइन और बहुत ज़्यादा कलर वो आपको 2-3 वॉश में आएगा, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ। और आपको ये मैंने बोला कि 130 में आपका ये स्ट्रिपिंग्स रेडी हो जाएगा। अगर जिसकी हेयर लॉन्ग है तो आपने 2 यूज़ होगा तो आपने लग जाएगा फिर 250, मतलब $250 तो पैसे, तो इस तरह से आपका पैसा लग जाएगा और आपको ये कलरिंग हो जाएगी। इसी फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूदी और खूबसूरत और शाइनी दिख रहा है। इतने कम पैसे में मैंने इतनी खूबसूरत स्ट्रेटनिंग की है, आप देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा इसका रिजल्ट जब आप घर पे करेंगे तो। लेट्स सी फ्रेंड, इतना खूबसूरत रिजल्ट आप घर पे कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप इसे अप्लाई करें, मेरे एडवाइस से करें, और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें, देन आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वीडियो को वॉच करना है, और फिर आप नेक्स्ट डे वॉश करें, आप शैम्पू करें, कंडीशनर करें, देन आपके हेयर आपको बहुत खूबसूरत दिखेगा। सो फ्रेंड, देख लीजिए आप इसका रिजल्ट आपके सामने है। मैंने इस वीडियो को इतना लॉन्ग बनाया तो आप ये सोचोगे कि मैंने इतना लंबा क्यों किया, मैंने आपके सारे प्रोसेस के लिए बनाया, मैं तो बस मिक्स करके आपको रिव्यू करके बस छोड़ देती, बट मैं अपने बहुत सारे व्यूवर्स से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन लोगों का मैं हर हाल में हेल्प करना चाहती हूँ। आप लुक गॉर्जियस, लुक ब्यूटीफुल, तो बस मैं खुश हो गई। और प्लीज़ अपने कमेंट मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे वीडियो को देखने के बाद। सो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमेशा मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो दिस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।